नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबेडकर बोध महासभा के अध्यक्ष आरएस गौतम जी, साथ ही ये एक केंद्रीय शिक्षक भी हैं बोध सभा के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा आपसे सवाल है कि सिद्धार्थ गौतम जी बोध कैसे बने, वो एक सन्यासी के रूप में कैसे सबके सामने आए? सिद्धार्थ गौतम, देखिए वहाँ पर जो एक आपका कोली जो सिद्धार्थ गौतम में क्षत्रिय वंश थे और इनके जो राज था साथ में कोलीय वंश, कोली और क्षत्रियों के बीच में एक नदी रोनी नदी का बहती थी इनके राज में। जो सिद्धार्थ गौतम थे उनके और उनके पड़ोस में जो राज था कोलियों का राज था, इनके बीच में एक रोहिणी नदी बहती थी। उस रोहिणी नदी के उस उनके पानी के बंटवारे के लिए आपस में दोनों का झगड़ा हो जाता था। तो एक समय कोलियों ने जो आपके क्षत्रिय थे इनके जो नौकरों थे उनको पीट दिया गया। वो पीटने के बाद जब ये बातें सेनापति को लगी पता लगी तो सेनापति ने एक सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद उनसे कहा, भाई कोलियों को और इनका जो क्षत्रिय है ये हमारे जो वह है इन पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है और इन्होंने हमारे खेतों को सूखा पानी नहीं देते हैं और उनको हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्यों न हम युद्ध के द्वारा इस समस्या का हमेशा के लिए हल निकाल दिया जाए। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के कहा कि अभी सभी आदमी एक सेना में भर्ती हो जाएं जो 20 साल है और 60 साल के बीच के अंदर, और हमें युद्ध करना है, युद्ध के लिए हमें इन कोलियों से निमटना है। तो भगवान जो सिद्धार्थ गौतम जो खड़े हो गए और खड़े हो गए उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। और उसके सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में ज़्यादा वोट आ गए। परंतु जब अगले दिन जो सेनापति था वहाँ का, उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद कहा कि भाई ये अनिवार्य है। सिद्धार्थ गौतम ने फिर कहा कि मैं इसका विरोध करता हूँ। तो उन्होंने याद दिलाया कि आपको क्या हमारे संघ में जब प्रविष्ट हुए थे उसको आपको याद नहीं है? या तो आपके परिवार के खेतों को जब्त कर लिया जाएगा या आपके परिवार का बहिष्कार कर दिया जाएगा या आपको मरवा दिया जाएगा, और आपको अगर मारने का दंड दिया जाता है तो कौशल नरेश आपको अनुमति नहीं देंगे। तो इस समय सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, मैं एक सुझाव देता हूँ। उन्होंने सुझाव दिया कि देखिए मेरे पिताजी ने कोई गलती नहीं, गलती मैंने की है, उसका दंड मैं ही भुगतूंगा। मैं एक सुझाव देता हूँ आपको कि मेरे माता पिता का खेत जब्त मत करिएगा, उनका बहिष्कार मत करिएगा, मैं प्रव्रजित हो जाता हूँ और प्रेरित होकर के यहाँ देश छोड़ देता हूँ, मेरी आपका मान भी हो जाएगा। तो ये स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद वो अपने महल में जाते हैं, अपने माताजी से मिलते हैं, माताजी से कहते हैं कि मुझे जाने की अनुमति दिए। वो बहुत ही रोती है, गड़कती है, लेकिन फिर भी अंत में वो मौन हो जाती है। इसी तरह मौन स्वीकृति जान करके फिर अपने पिताजी के पास जाते हैं, राजा सुद्धोधन के पास। तो उनसे भी ये कहते हैं कि मुझे अनुमति दिए, लेकिन उसके बाद भी वो शांत हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इसके बाद अपनी पत्नी के पास जाते हैं और पत्नी के पास जाने के बाद उनकी जो यशोधरा पत्नी थी वो कहती है कि जो आपने किया वो मैं भी यही कहती हूँ, आपने अच्छा किया है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, जब भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए आप ज़रूर आइए। तो उस समय उस परिस्थिति को देख करके सिद्धार्थ गौतम वहाँ से निकल करके और जो गांव के बाहर जो एक भारद्वाज का आश्रम था, जो उनका पुरोहित था, उस आश्रम में जाते हैं। उनका जो भाई महानाम था वो अपने कपड़े भिक्षों के ले जाता है और जाने के बाद वहाँ पर जब जाते हैं और जाने के बाद जब वो आश्रम में पहुंचते हैं, भारद्वाज के आश्रम में अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर पूरी पब्लिक जो उस नगर की थी पब्लिक सारी वहाँ इकट्ठी हो जाती है और उनसे कहती है कि आप प्रवृत्त मत होइए, लेकिन वो नहीं मानते और जाकर के अंदर भारद्वाज के आश्रम में बालों को मुंडवा देते हैं, चीवर को पहन लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो निकलने के बाद पूरी पब्लिक उनके पीछे हो लेती है और कहती है आप वापस जाइए, वापस आइए, आप प्रवृत्त मत होइएगा, हम राजा को मना लेंगे या मंत्र उसको सेनापति को मना लेंगे। लेकिन वो कहता नहीं, अब मैंने जो वचन किया है मैं जाऊँगा, और इस वजह से वो प्रवृत्त होकर के वहाँ प्रवृत्त निकल जाते हैं और पब्लिक जब तक देखती रहती है जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। इस तरह से जो सन्यासी बने हैं और वो सिद्धार्थ गौतम का इस सन्यासी बनने की एक प्रक्रिया थी। तो इसके बाद वो वहाँ से गंगा पार करते हैं, नदी पार करते हैं, उमाना नदी है, नदी पार करने के बाद फिर वो भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं और बहुत सारे आश्रम हैं और प्रवृत्त होने का यही मुख्य कारण है उनका। सर धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।